आज है संडे, बता दो, और इसके बज रहे हैं मंडे। इस लड़के से मैं कब से बोल रही हूँ, मतलब कितने टाइम से बोल रहे हैं। पहले मैंने इसको बोला कि तुम ना कम से कम शॉर्ट वीडियोस बना करो, जो मैं मतलब व्लॉगिंग वगैरह करते ना, शॉर्ट व्लॉग उसमें वीडियोस में मिनी व्लॉग्स, वो क्या करो, सब कुछ पता है लेकिन करना नहीं है ना, वही तो बात है। तो मैंने से पहले बोला तुम मेरे में भी तो शूट करते, मेरे में मजा आता है, उसमें हमारी आवाज नहीं आती, मैं इस लड़के से पता नहीं कब से बोल रही हूँ कि तुम ना मिनी व्लॉग्स बनाया करो, मैं मतलब फुल व्लॉग तो मैं बनाती हूँ, तो उसमें छोटे छोटे तुम पूरे दिन कैसे बनाया करोगे। बना तो मेरे को, मेरे को इतना पता है कि मैं बना तो अच्छा दूंगा, बट मुझे ये वो जो तुम नहीं हो पाएगा, और मैं यहाँ पे गंजा दिखाऊँ ऐसे मत करो। अरे ऐसे अभी मैं थोड़ा सही लग रहा हूँ गाइस, मैंने अपने बाल कटवा दिए क्योंकि मेरे बाल बहुत, मतलब बहुत कह रहा हूँ कि मैं सर्दियों में बाल बड़े रखता हूँ, गर्मियों में छोटे कर लेता हूँ, क्योंकि गर्मियों में अच्छे से इनकी केयरिंग हो जाती है, केयर हो जाती है और ऑयलिंग वॉयलिंग करके रखता हूँ, फिर सर्दियों तक बड़े हो जाते हैं अपना। तुम बातों को ना क्या कहते हैं वो मत करो, नीचे लेट जाओ, इतने ज्यादा बैठ जाओ, अरे जबरदस्ती है। तो मैं इस लड़के से बोल रही थी कि तुम ना मिनी ब्लॉग स्टार्ट करो और अपना खुद का चैनल उसमें करके कम से कम कुछ तो मतलब बनेगा, तो आप इस चीज पे क्या बोलना चाहते हैं? पर मुझे एक चीज है कि जो वो आवाज रिकॉर्ड नहीं करते, मुझे वो सबसे बड़ा नहीं, एक चीज बताओ उसमें वो क्या अच्छा लगा, सब कुछ इसने शूट करा ठीक है अपने तरीके से, अभी हर एक चीज में, और उसमें पीछे मैं बोल रही हूँ। हाँ तो तुम अच्छे से बोल देते हो ना, अरे मैं ऐसे बोलूं, तुम हाँ। बोलो, एक दो बार बोलोगे अपने आप आ जाएगा। अरे यार आवाज सुनने में डरने डेंजर लगती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, हाँ, मैंने सब बड़े लगता है, तुम बोल करोगे ना अच्छा लगता है, ठीक है। मैं ऐसे बोला करूं, किसी नोटिफिकेशन, अरे बाबा रे ये लड़का का है रे, हाँ मैंने पता है क्या मेरे दिमाग, इसको पहले दिक्कत थी नहीं, पहले पता मैं बोलती कि यार पता फोन अच्छा सा नहीं है मेरा, अब फोन वोन सब अच्छा है, तुम्हारे पास सब चीजें हैं, अब तुम उसको यूज नहीं करोगे, आवाज खराब हो गई है, अब तुम्हारा क्या, आवाज सही करूं मैं, आवाज चेंज करवाओ मेरी, आवाज करवाओ भाई ऋतिक रोशन जैसी, उसमें सब आवाज चेंज हो सकती है तुम्हारी, उसमें बच्चे वाली आवाज कर दूंगा, आवाज चेंज हो सकती है, हाँ। मुझे पता है, मैं ऐसा बोला करूंगा, हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल, तो अभी मैं जा रहा हूँ सिनेमा देखने, ऐसे करके बोला करूंगा मैं, ऐसा करेगी तो ऐसे क्यों बोलूंगा, हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल, और मैं जा रहा हूँ अभी सब्जी लेने, सब्जी में मैंने लिया है भिंडी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, और भिंडी के बाद मैं सीधा घर पे आया, प्रिया गुस्से में नहीं, सब करना सब आता है, ये नहीं किसको एडिटिंग नहीं आती हो, ये नहीं इसको शूट करना नहीं आता हो, ये भी नहीं किसको बोलना नहीं आता हो, हर एक चीज सब कुछ आता है बट शूट नहीं करना है। आवाज नहीं सुननी मुझे अपनी, यहाँ पे सुन सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है, ये कौन सा तरीका होता है कि मैं अपनी आवाज, मैं ही बोला करूँ, यहाँ पे तुम बोले तो मेरी आवाज पीछे दब जाती है, तो वो अच्छा लगता है दबना वहाँ पे, हे भगवान। सो गाइस तुम आप शूट करोगे नहीं करोगे, मुझे साफ साफ क्लियर क्लियर शब्द में बोल दो, अभी से स्टार्ट करूंगा, देख लेना, और तुमको मेरी वीडियो नहीं दिखी यूट्यूब पे बिना विदाउट प्रिया के सजेशन, आकाश सक्सेना नाम बदल देना, नाम रख देना मेरा आकाश सक्सेना, इसका नाम रखेंगे हम चोमू, चोमू। गुड मॉर्निंग गाइस, सो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी बाहर क्योंकि पिज्जा को खाने ब्रेड पकोड़े, तो वो तुम मेरे व्लॉग में देख लेना, जब भी तुम्हें सजेशन में आएगा, मतलब ऐसे जब तुम स्क्रॉल करोगे तो तुम मेरा व्लॉग देख लेना, ये रखना, इसका नाम चोमू, अगर इसने क्या कहते नहीं करा तो देखो तुम लोगों को मेरा व्लॉग दिख जाएगा, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ, ओए हे क्या मस्त ग्लो आ रहा है अपने चांद में ग्लो आ रहा है, मैं जरा सन थप्पड़ परवाता हूँ अपने गाल में, सन थप्पड़ हाँ, अभी प्रिया का ब्रेड पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तो मैं ब्रेड पकौड़े लेने जाऊंगा, बट उससे पहले मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगा, है ना, जो कि प्रिया चाहती है ऐसा, तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं रिकॉर्डिंग प्रिया से करवा करूंगा, जो वो पीछे गया वो तो वॉइस ओवर प्रिया से करवा करूंगा, और यहाँ पे मैंने नाश्ता किया जो कि पूरा निपटा दिया, अब मैं ब्रेड पकौड़े खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा प्रिया खाएगी, तुमको भी खाना, तुम खुद कह रहे थे मेरे भी खाने का मन कर रहा है, तो मैं हर चीज मेरे पे डाल दी होगी, इस सन में इतनी इतनी गंदी है ना, सही व्यू आ रहा है, सुनो इसको पता गोलगप्पे खाने होंगे, तो क्या कि यार गोलगप्पे खाने ना, तुम्हारा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है ना, मैंने कहा तुम ये क्यों बोल, तुम्हें खाना है कुछ भी खाना होगा सब कुछ मेरे ऊपर रख के करना है, और खाना भी खुद भी है, देखो गाइस मेरे भाने से पेट में चीज चली जाती है, अरे राम, दिस इज अ बिजनेस, दिस इज अ टेक्निक कि कोई भी तुम्हारे ऊपर ना दे सके कि इसी हर चीज खाने का मन करता है, कितना बाहर का खाना खाता है,
इसलिए तुमने मेरे पर रख देता है। और कई बार तो ये क्या कहता है टिफिन में मैं जो खाना जाके बेचती हूँ और ये वो दूसरों को खिला देता है, खाने का नहीं मन होता है और बाहर क्या कहते हैं वो जो खाना जाता है कैंटीन जाके वो खाएगा छोले भटूरे। और मैं पूछूंगी तुमने खाया, मुझे लगता है कि यार बंदा पूरी मेहनत से डाइट कर रहा है और ये यही तो है टेक्निक। ये बहुत बदतमीजी है, बहुत बदतमीजी। ये कल भी पता है कुछ क्या कहते हैं जो और टिफिन में लेके आए थे तो उसने वो खाया था, फिर इसने आके खाना नहीं खाया घर आके। मैंने कहा क्या हो गया, आते तो मंडे ये बोलता मुझे भूख लग रही क्या हो गया आज, खा क्यों नहीं रहा है। मैंने शायद मैं पूछ लिया, मैंने कहा तुमने जो मैंने टिफिन में रखा था उसमें तुमने कुछ और भी खाया था? कह रहे नहीं वही खाया था। मैंने कहा अच्छा क्या तुमने क्या खाया ये बताना। कह रहे चावल। मैंने कहा चावल तो मैंने रखे ही नहीं थे। अरे कि राजमा चावल खाए थे। मैंने कहा राजमा चावल मैंने रखे नहीं थे। कह रहे वो अरे मैम लेके आई थी ना वो खाया था। मैंने छोले भटूरे खाए थे, मैंने राजमा चावल खाए थे, मैंने दो समोसे खाए थे, कोल्ड ड्रिंक पी थी, चाय पी थी। मेरी कसम है मेरी कसम कल मुकेश ने पार्टी दी थी हमको और फिर जो भी खाना था किसने खाया? भी खाया। मैं इसका टिफिन रखना बंद, सुबह का टिफिन रखना पता बंद है, हम क्या करते खाना पीना रखना बंद। आपसे कोई टिफिन नहीं रखूंगी मैं। नहीं पता है वैसे मेरी इतनी वो नहीं है, मतलब मैं इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ के जो बंदे ना जैसे मैं स्कूल में पहुंचता हूँ ना तो उनकी पता क्या होता है जाती टिफिन खोलो भाई खाएंगे। मेरी ये क्या बात हुई यार, अभी बंदे घर से आए स्टार्ट सुबह खाना स्टार्ट, उसके बाद फिर जब खा लिया तो भाई दोपहर में भूख लगेगी लगेगी क्योंकि भाई डांस वाला काम है फिजिकली वर्क है, उसके बाद जब भूख लगती है तो फिर छोले भटूरे आ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ ना, मैं आपसे रखना बंद हो गया अब से भाई। जो लोग भी इसके स्कूल से देखते हैं आकाश अब टिफिन नहीं लाया करेगा या आपको भूखा हुआ उधर से उधर भटकता फिर मिलता है तो वो इसकी खुद की गलती है, इसकी बीवी नहीं, इसकी बीवी देना चाहती है खाया लेकिन ये नहीं खाता है वो, तो इसलिए पैसा बहुत है उड़ाना चाहिए पैसा। जब पैसा आपके अकाउंट में भर रहा हो ना और वैसे निकल निकल के भाग रहे हो उसको उड़ा देना चाहिए, देना नहीं चाहिए किसी को भी, उड़ाना चाहिए उसको, सिर्फ उड़ाओ मतलब सिर्फ तुम ही उड़ाओ, अय्याशी मोड़ा हो, अय्याशी इन द सेंस कि थाईलैंड वाले जाओ, बैंकॉक जाओ अपने दोस्तों के साथ। तुम अभी जाओ, मैं दिवेशा के साथ अभी बैंकॉक जाओ, अब तुम पकोड़े लेके आओ, मैं दिवेशा को कॉल करूंगा, बैंकॉक चलते दोनों। तुम देखते रहो यार, तुम मायके चली जाएगी फिर देखती रही हो मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रह जाइयो ऐसा कुछ है वो। अब यार चले जाओ बहुत देर हो गई। यहाँ पे लड़की मस्त अभी ब्रेड पकौड़ा खा के लेती है और इसके बाद इसने जो कल ये प्रैंक किया है ना मेरे साथ ये याद रहेगा मुझको। और इसके यहाँ पे हो गए 30K सब्सक्राइबर, नाइस कांग्रेचुलेशंस टू यू माय प्रिंसेस, टू यू आल्सो, मेनी मोर टू कम, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग एंड यस। अब मेरे को बता देना आप इंस्टाग्राम पे मैं क्या प्रैंक करूँ प्रिया के साथ, वरना करूँगा बहुत डेंजर, सच में कर रहा हूँ। मतलब मुझे पता चल गया लेकिन कल लोग मेरी वीडियो देखते नहीं पहले कमेंट कर देते हैं, पर मुझे अच्छा लगा कि लोग तो वीडियो में कुछ भी हो चाहे वो उसके बावजूद भी मुझे इतना प्यार करते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मच लव। 30 के हो गए तुम्हारे लव, ऐसी मेहनत करो तुम जल्दी 3 मिलियन भी होंगे, लोग मेरे साथ रहेंगे और तुम मेरे साथ रहोगे ना तो अपने आप सब अच्छे से हो जाएगा। यस माय फ्रेंड, चलो बाय। ये क्या हुआ ये करना होता है, मैं तो ये कर रहा था ऐसे पंच, चलो ये लो ये। आकाश ने मंगाए रामे और आकाश को इतना अच्छा लग रहा है ना, आप शक्ल पर देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है, इसने पहली बार टेस्ट करा है और इसको मजा आ गया बिल्कुल। मैं नारुतो में देखा था वो खाता है, सॉरी वो खाता है यार क्या गंदा था ये फीका फीका ना मिर्च ना मसाले क्या देखना ये जी यार, ये तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये क्या कहते हैं चिली पटेटो, और ये भी ऐसे दे दे हैं बिल्कुल जैसे गोर गुद्दसा नहीं होता, पता नहीं क्या बताऊं मैं, इतना बेकार लग रहा है ये, कुछ क्रिस्पी पर नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल, ऐसे आलू बिल्कुल मिल गए हैं यार। चाइनीज फूड इतना फीका होता है जी, जापानीज है जो भी है ये पता नहीं, बस ले मैं तो देखने में अच्छा लग रहा है, मैं तो खाया नहीं इसीलिए। और तो मशरूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मशरूम भी है भुटिया भुटिया कौन बोलते हैं उसमें
मतलब भुटिया ही होता है कॉर्न ऑफ कोर्स। ये गलती गलती मंगवा के था, मंचूरियन मंगवा था भाई, मस्त एकदम। हाँ वो जाके मंचूरियन चपाती चावल और वो चावल फ्राइड राइस मस्त लगते हैं, रुमाली रोटी मस्त खाते हैं। तुमने पता नहीं तुमने मंगाया क्या, वो भी एक डेढ़ घंटे में आया ये। हाँ यार इतनी देर वेट करने के बाद इसको इतना स्वादिष्ट खाना मिला आकाश को, वाह। इसलिए मैं YouTube स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, देख लिया अब मैं रियल फीडबैक दे दूंगा किसी को हजम नहीं होगा। तो रियल दो, इसमें क्या है मुझे ना हाँ ऐसा लगता है हाँ कि हमारे इंडियन फूड को वो टक्कर नहीं दे सकता भाई। हमारे इंडियन फूड को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, खैर हमारे इंडियन फूड इतना स्पाइसी, इतना चटपटा, इतना मस्त, बिल्कुल मन को बिल्कुल करने वाला। अगर वैसे खाओ, अगर इसमें ये नूडल ना हो, हाँ नूडल को हटा कर देखा जाए तो उसके अंदर वेजीज हैं। खा नहीं पाऊंगी तो, हाँ मैं तो नहीं खा सकता, मेरे को तो देखने अच्छा लगा था, मैं टेस्ट भी नहीं किया मैंने इस चक्कर में। पाव भाजी बाकी अलग है, पंजाबी फूड, पंजाबी खाना होता है वो मेरे को बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, मतलब वो इंडियन में सब आ गया, मतलब हमारे इंडियंस को सजू ये पता नहीं क्या क्या खा रहा हूँ मैं, गिरार सी जी यार, यार और भी मन गंदा सा लग रहा है मुझे तो, ये ऐसे लग रहा है लेकिन मुझे और तुम तब भी खा रहे हो, पता मेरे को इतना बोलते मैं तो छोड़ के चला जाता, मैं नहीं खा सकता था। तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो मत खाओ, जबरदस्ती खाने जरूरत नहीं है, हाँ जब तक खा सकते हो खाओ, वरना नहीं अच्छा लगता तो देखो वो ठीक है, तुमने एक बार गलती कर दी समझ में आता है, लेकिन अगर तुम नहीं खा पा रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि बेमन नहीं खाना। नहीं चाइनीज करो, लेकिन ये क्या जो तुमने कभी भी ऐसा खाया नहीं है, और पता ऐसी चीज तब करो जो दो चार लोग हो, तो अगर अच्छा भी नहीं ना दो चार लोगों के साथ खिला के खत्म बांट दो, अगर तुम्हें अकेले खाना पड़ेगा, मैंने पहले बना बोल दिया मैं तो खाने की नहीं, खाओ खाओ बात से खाओ। कितनी शिद्दत से तुम उसको पैक कर रहे हो कचड़े को, इतना मन लगा के कचड़े को कौन पैक करता है भाई, हैं सारा खा लिया, बाप रे। सोचो इस इंसान को वो पसंद नहीं आया तब जाके इसने सारा खा लिया, और सोचो उसको कुछ अगर कुछ चीज पसंद हो तो अभी कितना खाता होगा। नूडल्स सबसे बेकार थे, वही नूडल्स खाए तुमने, वो तो कह रहा हूँ सबसे बेकार चीज को तुम इतना खा सकते हो, जो तुम्हें अच्छी लगती होगी उसका तुम क्या हाल करोगे फिर। ये इंसान आज हमारा खूब मस्त संडे बन रहा है, बाहर से आया है, कितने टाइम बाद आज मैं बाहर से खाना बन रहा है। हाँ ये बात तो है, वो बहुत बेकार आया, इसीलिए मैंने फिर मंचूरियन राइस अभी मंगवाए हैं, देखते हैं अभी। अब तुम्हारा पेट भर गया, अब वो तुम्हारा पेट भर गया होगा ना, तो तुम खाओगे नहीं, और खुद ही ने मंगवाए हैं और खुद ही मना कर रहे हो, और ये बोल रहा है तुम देखना जब भी खा रहा होगा तब दिखाऊंगा। अरे तू रहने दो, तुमको देखा है हमने, ये मना करते करते भी ना इतना खा लेता है, पता नहीं जब उसका मैं सोचता जब उसको बहुत तेज भूख लगती होगी तभी क्या करेगा। इसकी बात ही अलग है। चलो हमारा सामान आ गया है, लेट्स ईट। अब मैं नहीं खा रहा, अरे थोड़ा सा खा ले, मैं ज्यादा नहीं होगा ऐसे, थोड़ा सा ही है ये मंचूरियन। चलो तुम इतने करे तो खा लूंगा। तुम ऐसे भी खा लेते मुझे पता है तुम्हारी। चम्मच ले, वाह मजा ही आ गया इसको खाते। इतना अच्छा मिलेगा, तुम क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तुम खा के देखो इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो, अच्छा है स्पाइसी है और वैसे हेल्दी डांस का अच्छा होता है ये वाला। जब आकाश और मैं मिला करते थे तो हम दोनों यही खाते हैं, याद है हल्दीराम्स में सिटी सेंटर के पास, तभी तुम्हें याद ही है। हाँ हाँ चलो मैं खाता हूँ। बस सही है, पीछे नहाई भी नहीं है सुबह से, और अच्छे से मेकअप कर लिया मुंह पे, और देखो मस्त रेडी होगी, और यहाँ मैं नहा के रेडी हुआ, इतना टाइम लगा मेरे को, ये मत देखो मस्त रेडी होगी आराम से अपना। अच्छा पता मैं नहीं नहाया, मैं नहाता तो तुम जब तक नहा के आयो तब तक मैं भी ना के आता।
फिर तुम जब तक कपड़े पहन रहे हो तब तक मैं मेकअप भी करता हूँ। हेलमेट डाल लेना, हेलमेट डाल लेना। और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी काम से अपनी क्लास के, वो बताएंगे वहाँ पे चल के। लेट्स गो।